आप देख रहे हैं KSN 24 न्यूज, पल पल की खबर। जांजगीर जिले में पामगढ़ सचिव के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर जोगी कांग्रेस के पदाधिकारियों ने SDM को ज्ञापन सौंपा है। अवैध कॉम्प्लेक्स निर्माण को लेकर प्रशासन ने पूर्व में कार्रवाई करते हुए सरपंच को हटा दिए थे, लेकिन सहयोगी सचिव के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई और न ही कॉम्प्लेक्स को तोड़ा गया। यही वजह है कि सचिव को हटाने की मांग को लेकर जोगी कांग्रेस के पदाधिकारी भी सामने आए हैं। आज से हम लोग 2-3 महीना पहले आवेदन की शिकायत किए थे, जिसे पामगढ़ सरपंच द्वारा अवैध कॉम्प्लेक्स, जो छोटे बच्चे आंगनबाड़ी स्कूल है और क्या बोलते हैं प्राइमरी स्कूल है और व्यू ऑफिस है, उसके सामने में कॉम्प्लेक्स बनाकर धारा 40 के तहत सरपंच को हटाया गया था यहाँ पामगढ़ में, और जांच कमेटी बैठाया गया था, उसके खिलाफ पाया गया है। और उतना ही जितना सरपंच इसमें भागीदारी है उतना सचिव भी है, लेकिन सचिव के ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। इस कार्रवाई को करने के लिए अपन और ज्ञापन दिए थे, वो उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ, और इस बार उग्र आंदोलन करने की चेतावनी देने के लिए यहाँ हम लोग ज्ञापन देने के लिए जम साहब पे पहुँचे। ब्यूरो रिपोर्ट, KSN 24 न्यूज़।